कहते हैं अगर किसी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ये डायलॉग मारा था हमारे एसआर के सर ने। बहुत से लोगों के लिए ये सिर्फ एक डायलॉग होगा लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये एक इंस्पिरेशन बन चुका है। कुछ लोग अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते तो वो बहाना बनाते कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास खोलने के लिए दुकान नहीं है, जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारे बहाना बनाते हैं। लेकिन सक्सेस वही होता है जिसके दिल में जिद हो, जिसमें कुछ करने की क्षमता हो। तो इसी का एक बढ़िया एग्जांपल आप लोगों को आज वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो पसंद तो लाइक कर देना और चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। लेकिन गाइस वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मैं हूं शेख साइबर, आप देख रहे हैं शमीम ब्लॉगर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम आ चुके हैं अल हबीबी बिरयानी होटल में। भाई नाम तो बहुत ज्यादा यूनिक है और ये जो नाम है इसका अरबी में मतलब होता है प्यारा या डियर बोल सकते हैं, यानी कि माय लव अल हबीबी। ये जो होटल है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है भाई, बहुत ही छोटा एरिया है। इतने से एरिया में जो है पूरा दुकान अंदर जाने का रास्ता है और अंदर जाके एम्बियंस से बैठने का सिटिंग वाला एरिया। तो सिटिंग वाला एरिया है कैसा है देख लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ के जो ओनर है उनसे हम बात कर लेंगे। तो गाइस ये मैम है यहाँ की ओनर, तो मैम आपका नाम? रूम्पा दत्तो। तो ये जो आपका अल हबीबी होटल है ये कब से शुरू हुआ है? 26 अगस्त से। तो जो अल हबीबी नाम रखी है इसके पीछे क्या राज है? राज आमरा चारटे बंधु मिले हठात करे एकदिन प्लान करलाम जे आमरा श्रीरामपुरेर लोक के भालो एकटा किछु बिरियानी खावाबो। तो सेई हिसेबे आमादेर अल हबीबी सेखान थेकेई तैरि, चार बंधु मिले एटार उद्योग तैरि करा। अच्छा मतलब चार दोस्त आप लोगों ने मिलके इसका स्टार्टअप किया है और आप लोगों ने सोचा कि श्रीरामपुर में एक प्यारा सा अल हबीबी जैसा नाम है वैसे ही बिरयानी भी खिलाया जाए। तो बिरयानी हम लोग टेस्ट करेंगे। तो सिर्फ बिरयानी मिलता है कि और भी कुछ? बिरयानी चिकन चाप सब ही अच्छा हमारे, बिरयानी चिकन चाप सब कुछ ही मिलता है। तो बिरयानी के जो प्राइस है वो कितना है? बिरयानी हमारे चिकन बिरयानी आछे 130 टाका, मटन बिरयानी आछे 230 टाका, चाप आछे 70 रुपीस। হ্যাঁ তো আবার আমাদের স্পেশাল আছে, স্পেশাল চিকেন বিরিয়ানি যেটা হচ্ছে 220 টাকা, তার সাথে আপনার দুটো চিকেন থাকবে, দুটো আলু থাকবে, তার সাথে একটা ডিমও থাকবে। সেরকম মটন বিরিয়ানিতেও তাই সেম, মটন বিরিয়ানির প্রাইস হচ্ছে 420। তো গাইস ইয়ে হ্যায় ছোটা সা গলি, ইসকে আন্দর ইয়ে রেস্টুরেন্ট আল হাবিবী কা রেস্টুরেন্ট। তো চলিয়ে আন্দর জাকে আপ লোগো সব কুছ খোল খাল কে দিখায়েঙ্গে সিটিং ওয়ালা এরিয়া কো, চলিয়ে। तो गाइस ये है सिटिंग वाला एरिया। सिटिंग वाला एरिया बहुत ही कम बैठने का जगह है, ये कोई फ्लैट के नीचे है। तो भाई किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए अंदर एक जुनून होना चाहिए। हालांकि ये बहुत बड़ा सिटिंग वाला एरिया नहीं है, छोटा सा है, लेकिन इन लोगों के अंदर एक जुनून है खोलने का। तो गाइस जिसका जो ओपनिंग टाइम है वह है दोपहर के 1 बजे से रात के 10-10:30 बजे तक। अगर उससे पहले बिरयानी खत्म हो जाए तो वो अलग बात है। तुम इतना क्यों स्टाइल मार रहे हो? खाने की पड़ी है, खाने की। खाऊंगा जल्दी चल आल हबीबी का खाना खाऊंगा, बिरयानी खाऊंगा जल्दी। तो चलिए गाइस ले लेते हैं यहाँ का बिरयानी और आप लोगों को टेस्ट करके बताते हैं। Cause I don't give a fuck what you say, yeah I'ma do shit my way, so you can go kick rocks, I'ma stack bricks up build. तो गाइस फाइनली ले लिया अल हबीबी बिरयानी। तो गाइस देख सकते हैं बिरयानी में क्या क्या है। ये देखिए एक तो बड़ा साइज का चिकन का पीस जो 140 से 150 ग्राम होगा, बॉइल्ड देखिए वो गाइस, ओ माय गॉड कितना सुंदर बॉइल्ड हुआ है। ओ हो ये देखिए एक तो बड़ा वाला रियाजी मटन का पीस। भाई क्या कर रहे हो आप लोग, श्रीरामपुर मार्केट में आ रहे हो और ये सब नहीं देख रहे हो? आइए और खाइए, देखिए मटन का पीस झुल झुल तुल तुल, ओ माय गॉड। अरे देखिए बॉयल देखिए, ओ हो 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 हो, पूरा एकदम पिंकी पिंकी भाप अंदर, ओ माय गॉड। ये देखिए आलू का साइज एकदम परफेक्ट साइज है, बड़ा साइज है और ब्राउनी ब्राउनी एकदम ऑयली ऑयली भाप, जूसी जूसी आलू है। बॉयल देखिए बॉयल, प्रेशर दिया है देखिए। और गाइस ये जो आप लोगों को सब कुछ दिखा है चिकन बिरयानी, मटन में अलग से लिया हूँ, चिकन बिरयानी लीजिएगा तो इसका प्राइस है 130 रुपया। और 130 रुपया आप लोग सोचिएगा कि ज्यादा है, ज्यादा नहीं है गाइस, पीस भी बड़ा है, आलू भी सही है और इसका जो राइस यूज किया जाता है देखिए नफीस ब्रांड का एक नंबर क्वालिटी राइस। दूसरा जगह बिरयानी क्या होता है, बिरयानी बनने के बाद जो चावल होता है चावल फट जाता है, फट जाता है, लेकिन ये फटा नहीं, एकदम स्मूथ लंबा लंबा स्मूथ, अरे बढ़िया लग रहा है। और इसका बॉयल्ड भाई बॉयल्ड देखिए, देखिए हल्का हल्का प्रेशर दूंगा एकदम मेल्ट हो जा रहा है, देखिए हल्का हल्का प्रेशर से मेल्ट। तो चले गाइस सबसे पहले राइस को टेस्ट करते हैं। ये थोड़ा सा राइस लिया मसाला वाला, जूसी जूसी ऑयली ऑयली, ये लाजवाब टेस्ट है, क्या ही बताऊं आप लोगों को इसका जो टेस्ट है, आप लोगों को क्या बताऊं कैसे बताऊं बोलिए। श्रीरामपुर मार्केट में आइए और अल हबीबी रेस्टोरेंट का बिरयानी खाइए, तब आप लोगों को पता चलेगा कि क्या चीज है और हम लोग क्या बताया, बहुत बढ़िया है। अब थोड़ा सा टेस्ट करेंगे चिकन को, ये थोड़ा सा चिकन को तोड़ लिया, ओ हो वाओ
भाई ये जो चिकन है ना पूरा किलर किलर, यहाँ पर देगा यहाँ पर। ओ माय गॉड, आप टेस्ट करेंगे थोड़ा सा मटन, चर्बी वाला रियाजी पीस मटन, पिंकी पिंकी। ओ हो हो, भाई सब कुछ किलर है, मटन एकदम, हम लोगों को क्या बताऊं। वो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। इतना परफेक्ट भाई श्रीरामपुर में मिल रहा है, वाव जस्ट वाव। और इसके अंदर जो मसाला गया ना भाई एकदम परफेक्ट तरीके से गया, कुछ भी कम नहीं है और कुछ भी ज्यादा नहीं है, एकदम परफेक्ट बीच में रख के सोच समझ कर ये बनाया है। ये थोड़ा सा आलू लिया और आलू जाएगा मुंह के अंदर। ओ हो हो, लग रहा है घी से बॉइल किया है, घी डाल के बॉइल किया, इतना टेस्ट है। और अंदर जो मसाला गया भाई, आप लोग नहीं खाइएगा तो समझ नहीं पाइएगा। आइए और फटाफट खाइए, अब होगा लास्ट में कॉम्बो भाई। चलिए ये लिया थोड़ा सा राइस मसाला वाला, ये थोड़ा सा चिकन, ये थोड़ा सा आलू, ये थोड़ा सा रियाजी वाला मटन, ये थोड़ा सा प्याज, सब कुछ मिला के ये जो जाएगा मुंह के अंदर अब। गाइस नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। साहिब तू भी आ मेरे साथ, फाइनली हमारा साहिब भाई भी आ गया, अब तो मजा आएगा। और गाइस आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, 1 2 3 गाइस क्या बताऊं। तो गाइस ये है यहाँ का स्पेशल चिकन चाप, जिसका साइज देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ये लगभग 150 ग्राम से भी ऊपर होगा मेरे ख्याल से। और इसका जो ग्रेवी है देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा स्पाइसी लग रहा है देखने में, और टेस्टी तो होगा ही डेफिनेटली, मुझे देखने में ही लग रहा है। भाई चिकन चाप तो एकदम एक नंबर है, जितना स्पाइसी होना चाहिए जितना मसाला होना चाहिए सब कुछ परफेक्ट है। और गाइज एक ऑफर बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, जैसा कि जानते हैं कि चिकन जो बिरयानी है वो 130 रुपए मिलता है और जो चिकन चाप है उसका प्राइस है 80 रुपया, तो टोटल हो जाता है 210 रुपया। अगर दोनों को आप एक साथ लेते हैं कॉम्बो के हिसाब से तो आप लोगों का 20 रुपए लेस हो जाएगा, जो 210 रुपए हो रहा था वो 190 रुपया ही लिया जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, आप लोग भी आइए और यहाँ का जो कॉम्बो है वो ट्राई कीजिए। तो चलिए अभी हम लोग खाने को इंजॉय करते हैं। फाइनली हमारा खाना पीना सब कुछ कंप्लीट हो गया, खाना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था और बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, और खाने के बाद मेरे जुबान से सिर्फ एक ही बात निकली, अल हबीबी। तो गाइस इसका जो प्रॉपर एड्रेस है वो है श्रीरामपुर बाजार से थोड़ा सा आते हुए ऑटो स्टैंड है, और ऑटो स्टैंड के सामने आप लोगों को दिख जाएगा प्राइमार्ट शॉपिंग मॉल, प्राइमार्ट शॉपिंग मॉल के जस्ट अपोजिट साइड में आप लोगों को दिख जाएगा अल हबीबी रेस्टोरेंट, और कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सारा कुछ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में बहुत मजा आएगा, मजा आएगा तो लाइक कर देना और चैनल बनाया तो चैनल गजब बेइज्जती। तो गाइस आई होप आप लोगों को इस वीडियो में बहुत मजा होगा, मजा आएगा तो लाइक कर देना और चैनल बनाया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मुझे नहीं पता चिकन चाप फेंक के मारो या बिरयानी, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। हाँ हाँ सही समझे, कैरिबिनाटी जैसा बोलना चाह रहा हूँ, तुमसे ना हो पाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।